यहाँ घर का खाना मिलता है ना, मैं घर से बाहर रहता हूँ। क्या भैया सवारी लेके जा रहे हो क्या कहीं? मटर पनीर है, राजमा है, कढ़ी है, दाल है, मिक्स वेज है, कटहल की सब्जी है। कम भीड़ क्यों है यहाँ पे? लोगों को बड़ा पाव, उल्टी सीधी चीजें पसंद है। कितने बजे से खड़े हो सुबह? सुबह 10 बजे से। 1:00 हो गया लेकिन अभी यहाँ पे उतनी भीड़ नहीं आई है। लड्डू गोपाल को तो आप बहुत मानते हैं। घर में लड्डू गोपाल बैठे हुए, उनकी मर्जी से मेरे कुछ हो ही नहीं सकता है। तो भैया जो कोई दोबारा मांगता है तो दे देते हैं? दोबारा मांगेगा दोबारा देंगे, तीसरा मांगेगा तीसरी बार भी देते हैं। ऐसी थाली कहीं नहीं मिलेगी, ऐसा खाना कहीं नहीं मिलेगा। इस एरिया में तो नहीं मिल रही है, तभी तो यहाँ पे आता मैं। मेरा चलता फिरता रेस्टोरेंट है। दिखाना भैया क्या क्या मिलता है यहाँ पे और क्या रेस्टोरेंट है, क्या है? इसमें राइस है, इसमें मटर पनीर है, इसमें राजमा है, इसमें कढ़ी है। इतना सारा खाना रखा हुआ है, ये सारा बिक जाएगा आप क्या? सब धीमे धीमे बिक जाएगा, लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं। तो भैया क्या बात है, लड्डू गोपाल को तो आप बहुत मानते हो। जी लड्डू गोपाल के भक्त हैं, उनकी मर्जी से मेरे कुछ हो ही नहीं सकता है। खाना होता है वो शुद्ध शाकाहारी रहेगा? शुद्ध शाकाहारी रहेगा। बनाता कौन है सारी? मैं बनाता हूँ। सीखा है आपने? आता है। सीखा है मैंने। सीखा पहले कहाँ काम करते थे? मैंने नथू सूट पे काम किया था, गोपाल जी सूट पे काम किया था, कैटरिंग का काम किया, शादी पार्टी का काम किया था। तो मुझे बताइए यहाँ पे जो लोग आते हैं सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं? यहाँ तो मेरी सारी सब्जियाँ ज्यादा पसंद करते हैं लोग। हमारे साबित मसाले से हम बनाते हैं, बिल्कुल घर वाला खाना है, अपने हाथ के पिसे हुए मसाले होते हैं। ये नहीं कि किसी MDH के, किसी कंपनी के, नहीं, अपने साबित अपने हाथ के मसाले। तो भैया जो कोई दोबारा मांगता है तो दे देते हैं? दोबारा मांगेगा दोबारा देंगे, तीसरा मांगेगा तीसरी बार भी देते हैं। वैसे एक बार सब्जी बार बार। तो भैया रोटी में देख रहे हैं, रोटी क्या ताजी बनती रहती है? बिल्कुल ताजी रोटी बनती है, गर्मा गर्म। तो एक लड़का आपने बिल्कुल रोटी के लिए बैठा? जी बिल्कुल रोटी के लिए है। 30 रुपए में क्या मिलता है आपके पास? 30 रुपए में राजमा चावल हाफ, कढ़ी चावल हाफ, दाल चावल हाफ, 50 रुपए में फुल। 30 रुपए में भी यहाँ पे खाना मिल जाएगा? जी। भैया डब्बे भरे हुए लेकिन इतनी कम भीड़ क्यों है यहाँ पे? लोगों को बड़ा पाव और उल्टी सीधी चीजें पसंद है, शुद्ध घर का खाना पसंद नहीं है। सबसे पहले सलाद रख दिया, उसके बाद कढ़ी जिसमें एक पकौड़ा भी आता है, और ये आ गया मटर पनीर। मटर पनीर मीठा भी देते हो आप? जी मीठा भी देते हैं। तो ये एकदम बिल्कुल गर्मा गर्म रोटियां, सब्जी भी गर्म है, रोटी भी गर्म है। ऐसी थाली कहीं नहीं मिलेगी, ऐसा खाना कहीं नहीं मिलेगा। और तो भाई हम आगे कौशाम्बी में, और मेरे हाथ में लड्डू गोपाल वाली थाली जिसमें की यार स्ट्रीट फूड में आपने ना कभी ये इस तरह का रसगुल्ला नहीं देखा होगा, यहाँ पे देख सकते हो यार। तो यहाँ पे रहने वाली है कड़ी, और यहाँ पे रहने वाला है मटर पनीर, और यहाँ पे सैलेड, दो रोटी साथ में मिली है, रोटी 400 रुपए की थाली रहने वाली है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, पूरा का पूरा खाना यहाँ पे जितना भी बनता है ना प्योर वेजिटेरियन बनता है। तो सबसे पहले हम जो टेस्ट करेंगे वो टेस्ट करते हैं मटर पनीर की, इसका टेस्ट कैसा होगा, जैसे कि एक चीज शादी का खाना होगा। बहुत ही मजेदार वाले मसाले हैं। सेकंड जो मैं ट्राई करने वाली हूँ वो ट्राई करने वाली हूँ कड़ी। सारे खाने में ना आपको कम स्पाइसेस मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा मजेदार खाना है, मेरे हिसाब से टोटल वर्थ इट है। अगर आप इस जगह पे आ रहे हो तो यहाँ पे ये थाली जरूर ट्राई करना, कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन के जस्ट नीचे है, एकदम लाजवाब है। लड्डू गोपाल भोजनालय यहाँ का नाम है। थाली 50 रुपए में मेरे हिसाब से ये टेस्ट नहीं मिलेगा। कड़ी में बोलूंगी थोड़े से कम स्पाइसेस है, लेकिन ये वाला आपको मीडियम स्पाइसी मिलेगा, एकदम मजेदार वाला टेस्ट है, मुझे खा के मजा आ गया। मैं आप इस थाली को खाती हूँ, इंजॉय करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और अगर खुश रहना है तो भाई मेरी तरह खाते रहिए।